हाय गाइस, आई एम गिरीश कुमार वैष्णव फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हम क्लास 8th का संस्कृत का थर्ड चैप्टर हमने कल स्टार्ट कर दिया था और आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2nd का खे चलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर खे, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनतम यास्यति, वृक्षों की कटाई कम कैसे की जा सकती है, कैसे कम होगी। तो आंसर आ जाएगा सनक कस्य, यानी कंप्यूटर अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनतम यास्यति, अर्थात कंप्यूटर का जब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होगा, अधिक से अधिक जब प्रयोग करेंगे तो वृक्षों की कटाई को कम किया जा सकता है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अग अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज नहीं पड़ती है, आज कल नहीं पड़ती है। तो चिकित्सालय अग रुपया काणाम आवश्यकता अनुभूयते, चिकित्सालय अग रुपया काणाम आवश्यकता अनुभूयते, चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सारा अपन जो पेमेंट होता है, सारा जो पैसा होता है वो अपन ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसलिए जेब में आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, आप ऑनलाइन सारा पे कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, वो डिजिटल इंडिया आज बन रहा है। गए वयम कस्याम दिशि अग्रसराम, हम किस दिशा में आगे जा रहे हैं, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वयम डिजिटल डिजी भारतम, वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशा दिशि, अस्याम दिशि हम डिजी वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, हम डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत की ओर बढ़ रहे हैं, जो सब कुछ यहां डिजिटल होता जा रहा है और इसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता ने भविष्यति, वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता ने भविष्यति, अर्थात वस्त्रपुटके का मतलब होता है जेब में आज अब आपको किसकी आवश्यकता नहीं है। तो वस्त्रपुटके रुपये का नाम आवश्यकता ने भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में भी बताया कि अब यह इस समय में आजकल डिजिटल इंडिया बन चुका है, तो इस समय में आप जो भी पेमेंट करना है, किसी को पैसा देना है, लेना है, सब कुछ आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ऑनलाइन आप भेज सकते हो, ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर कर सकते हो, अकाउंट में भेज सकते हो, तो इसलिए आपको जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं है, आपके फोन में सब कुछ ऑलरेडी है। रेखांकित पदानि कृत्वा प्रश्न निर्माणं कुरु, रेखांकित पदों को पद जो है इनका इनको इस तरह से बदलना है जो और वो शब्द इनमें वो वर्ड जोड़ने हैं जिससे प्रश्न निर्माण हो सके। भोज पत्रों परी लेखनम आरब्धम, अर्थात अब यहां क्या जुड़ जाएगा, क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा। भोज पत्रों परी किम आरब्धम, अर्थात देखिए दोबारा एक बार, भोज पत्रों परी लेखनम आरब्धम और भोज पत्रों परी किम आरब्धम लेखना, और इसका यहां आ जाएगा भोज पत्रों परी लेखनम आरब्धम, अर्थात भोज पत्र पर क्या लिखना आरंभ कर दिया, तो लेखनम यानी लिखना, लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति ने भविष्यन्ति, लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की मूलभूत आवश्यकता खत्म हो गई है। लेखनार्थम कस्य यानी किसकी आवश्यकता अनुभूति ने भविष्यन्ति, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता अनुभूति ने भविष्यन्ति, किसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आगे, तो कर्गदस्य यानी कागज की। ये क्वेश्चन, ये आंसर, ऐसे है। तो ये आंसरों का अपन को क्वेश्चन बनाना है। तो मैंने आपको जैसे कि बताया लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यन्ति, अपन को भविष्य में आगे समय में किसकी कागज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ आएगा क्या प्रश्न, क्या होगा, लेखनार्थम कस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यन्ति, लिखने के लिए कागज की किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो आंसर आ जाएगा कर्गदस्य यानी कागज की।
विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। विश्राम गृह सुनिश्चित करने सुनिश्चित कहाँ किया जा सकता है, कैसे? तो यहां आ जाएगा केषु, यानी क्या सुनिश्चित, क्या कौन सा कक्ष, क्या कक्ष? केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। तो इसका आंसर क्या होगा? विश्राम गृहेषु कक्षा सुनिश्चितम भवेत। दोबारा देख लीजिए, प्रश्न क्या हो गया? केषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत और विश्राम गृहेषु सुनिश्चितम भवेत। किसमें कमरा सुनिश्चित कर सकते हैं, किसमें कमरा सुनिश्चित कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं? तो यहां आ जाएगा विश्राम गृहेषु, विश्राम गृह में। विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो पहले प्रश्न पढ़ देता हूं, अब मैं पहले अपन ने ऐसे पढ़ लिया, अब ऐसे सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि, सुरक्षितानि भवन्ति अर्थात सभी पत्र टिकट किसमें सुरक्षित होते हैं? तो सभी पत्र और टिकट किसमें सुरक्षित होते हैं? तो सभी पत्र और टिकट चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फोन में सुरक्षित होते हैं, आंसर हो जाएगा। वयम उपचार, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छम, वयम चारार्थम चिकित्सालयम गच्छम, हम उपचार के लिए चिकित्सालय जाते हैं। वयम किमर्थ के चिकित्सालयम गच्छम, हम किसके लिए चिकित्सालय जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा उपचार के लिए। तो गाइस इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और आज आपका इसका लास्ट डे है, कल इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी का कल पढ़ाएंगे हम। तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स करने और ये क्वेश्चन आंसर्स यहाँ तक जो हमने करवाए ये वर्क सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट होना चाहिए और राइटिंग, गुड राइटिंग में वर्क करना है सभी स्टूडेंट्स को। ओके गाइस, थैंक यू।